Hello everyone, myself Ayush Gaur, all India rank 2619, E2G 2022, and I got a Rajasthan rank of 240. The reason I'm making this video is that some NEET aspirants are, you know, quite, वो बहुत excited हैं ये जानने के लिए कि जो इस बार NEET UG हुआ था, वो दो बार conduct हुआ था. It was conducted twice by National Testing Agency. So, इन दोनों जो exam हुए थे, री नीट जो हुआ था वो पूरा जो फर्स्ट 17 जुलाई को हुआ था उससे टफ था, उससे ईजी था. क्या था, किस साइड पे ज़्यादा इनजस्टिस हुआ? तो पहली बात तो ये कि इनजस्टिस किसी भी साइड पे नहीं हुआ, बिकॉज दोनों ही जो हुए थे पेपर, री नीट विच वॉज कंडक्टेड ऑन 4th of September एंड द नॉर्मल नीट विच वॉज कंडक्टेड ऑन 17th of July, दोनों ही पेपर के लेवल एकदम सिमिलर थे. ठीक है, कैसे सिमिलर थे ये भी मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा. बट इनजस्टिस होना किसी मतलब कोई ये सोच रहा है कि कौन से वाले के साथ इनजस्टिस हुआ, किन बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ. सो इनजस्टिस आई थिंक जो रीनीट वालों के लिए था वो ये था कि एक उनके जो एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ पे दे डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्ग क्वेश्चन पेपर्स टू द स्टूडेंट्स. ऑलराइट, जैसे हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश मीडियम का पेपर मिल गया और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम का पेपर मिल गया. दैट वॉज यू नो द मेजर ट्रेजिडी इन दिस ईयर नीट. सो लेवल, इफ वी कंपेयर द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स, एग्जैक्टली सिमिलर. ऑलराइट, बिल्कुल सिमिलर है. कोई ये नहीं कह सकता कि वो वाला ज़्यादा टफ था या ये वाला ज़्यादा टफ था. एग्जैक्टली सिमिलर एज फार एज बायोलॉजी सेक्शन इज कंसिडर्ड, द 17 जुलाई नीट वॉज टफर, वॉज लेंथियर. बट एज फार एज फिजिक्स सेक्शन इज कंसिडर्ड, द 4th September, द री नीट वॉज टिपिकल बिकॉज ऑफ यू नो समवॉट 4 or 5 क्वेश्चंस. दे वर यू नो आई थिंक रेजिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन था विच वॉज समवॉट टिपिकल क्वेश्चन. ऑलराइट, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे नहीं, 4 या 5 क्वेश्चन थे जिनकी वजह से फिजिक्स टफ हो गई थी री नीट में जो 4th of September को हुआ था. एंड कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन थे, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना बहुत लेंदी हो जाते हैं, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट डी, स्टेटमेंट ई तक भी पहुँच जाते हैं. और फिर पूछते हैं हाउ मैनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो यहाँ पे कौन से पेपर में ज़्यादा थे, यही बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं. तो जो आप ये वाला पेपर देख रहे हैं, दैट्स नीट यू जी, री नीट यू जी 2022 विच वॉज कंडक्टेड ऑन 4th of September. सो नाउ दिस इज द यू नो इन माई हैंड, यहाँ पे मेरे पास जो ऊपर वाली टेबल है, दिस इज फॉर री नीट. आई हैव रिटन हियर री नीट विच वॉज कंडक्टेड ऑन 4th of September 2022. तो ये वाले जो फिजिक्स सेक्शन में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है, स्टेटमेंट ए बी सी डी ई, जो लेंथियर क्वेश्चन होते हैं, एंड आई थिंक दीज आर सम वॉट रैंक डिसाइडिंग फैक्टर क्वेश्चन इन माई ओपिनियन. राइट, बिकॉज ये थोड़े लेंदी हो जाते हैं एंड लेंदी होने के साथ साथ ये थोड़े से टिपिकल भी हो जाते हैं, बिकॉज आपको एक एक स्टेटमेंट के एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना पड़ता है. ठीक है, सो इन फिजिक्स सेक्शन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर 1, केमिस्ट्री सेक्शन इट वाज 1, एंड इन बायोलॉजी सेक्शन इंक्लूडिंग सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ये सबको इंक्लूड करके चल रहा हूँ मैं, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों को इंक्लूड करके 17 जो था बायोलॉजी सेक्शन में 15 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे. राइट, सो टोटल इनका 17 क्वेश्चन वर लाइक ए बी सी डी ई टाइप. राइट, नाउ सबको जो यू नो टफेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लगते हैं, दैट्स असर्शन रीजन, ए आर बेस्ड क्वेश्चन. ये 7 क्वेश्चन थे टोटल पेपर में, 1 फिजिक्स में, 2 केमिस्ट्री में और 4 बायोलॉजी में. राइट, एंड थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, दैट स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, समवॉट सिमिलर टू असर्शन एंड रीजन, बट you don't have to recognize the reason
फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट? एसोसिएशन रीजन में अपने को रीजन भी पता होना चाहिए. स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू में नो रीजन इज यू नो एप्लीकेबल ऑन दैट. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, द इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व, राइट? एक को मैच कर दो, नीट के एग्जाम में सारे के सारे मैच हो जाएंगे. इफ योर लक इज गुड ऑन द एग्जाम डे एंड यू नो द मैटर ऑफ लक. So match the following question for 23. This type of questions, you know, यहाँ पे ये paper easy हो गया. ये easiest होता है match the following, match matrix type questions. These are the easiest type of questions. और ये 23 थे, इसलिए ये paper थोड़ा सा easier side पे चला गया. ठीक है, यहाँ पे but statement A B C D E ये 17 थे. That's why थोड़ा lengthy भी हो गया. Assertion reasons 7 थे. स्टेटमेंट वन एंड टू वाले 6 थे. नाउ 17th ऑफ जुलाई वाले पेपर में क्या हुआ, जो नॉर्मल नीट यूजी था उसमें क्या था? फिजिक्स केमिस्ट्री में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं लाइक ए बी सी डी ई वाले, कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, राइट? जो मैंने दिया था नीट यूजी केमिस्ट्री में, जो मैं 17 जुलाई वाले की बात करूँ जो मैंने दिया था, वन क्वेश्चन वॉज यू नो स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट एंड आई थिंक इट वॉज फ्रॉम सेक्शन बी. सो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया था, आई स्किप दैट क्वेश्चन एंड अटेम्प्टेड द यू नो कौन सा अटेम्प्ट किया था मैंने, आई अटेम्प्टेड अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, राइट? बिकॉज यू नो थोड़ा स्टेटमेंट में हो जाता है कभी कभी गलती, एंड न्यूमेरिकल्स में जनरली यू नो सब कर लेते हैं. न्यूमेरिकल सेक्शन वॉज ईजी इन 17 जुलाई पेपर, राइट? एंड नाउ असर्शन रीजन, यहां पे भी 7 था, यहां पे भी 7 है, कैंसल्स आउट. यहां पे अच्छा हाँ, बायोलॉजी सेक्शन में 10 क्वेश्चंस वर यू नो स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट डी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? सो टोटल यहां पे जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन जो लेंथी बना देते हैं पेपर को, वो 11 थे और यहां पे 17 थे, राइट? यहाँ पे अपने को लगता है कि जो 4 सितंबर वाला पेपर था रीनीट था, वो थोड़ा लेंदी हो गया. असर्शन रीजन की बात करें, दोनों सेम, तो अभी भी यही वाला लेंदी है, ऊपर वाला रीनीट. बट स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये हमारे वाले पेपर में 17 जुलाई वाले पेपर में ये 17 थे और यहाँ पे 6. बट द मेजर फैक्ट इज दैट 4 सितंबर वाला जो पेपर था वो थोड़ा सा ईजी साइड पर हो गया. 23 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड यहाँ पे हमारे 13 क्वेश्चन थे. 10 क्वेश्चंस वर इजियर, ऑलराइट? 10 क्वेश्चन वर इजियर इन 4th सितंबर पेपर. सो ओवरऑल पेपर वाज एग्जैक्टली द सेम, ऑलराइट? आप देख सकते हो यहाँ पे कम था वो यहाँ ज्यादा हो गया, जो यहाँ कम था वो यहाँ ज्यादा हो गया, ऑलराइट? एंड एज फार एज बायोलॉजी एंड फिजिक्स सेक्शन इज कंसिडर्ड, बायोलॉजी सेक्शन वॉज टफर साइड on 17 July paper, no doubt, alright? But physics section was damn easy. I myself scored 176 out of 180 in the physics section of my paper, 17 July. But as far as 4th September paper, re-NEET UG is considered, 4 or 5 questions were, you know, we can say, yeah, that's somewhat typical questions and I can show you इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? या अगर इस वीडियो में बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा थोड़ा. सो द पॉइंट बीइंग, दोनों के दोनों पेपर एकदम सिमिलर पैटर्न के थे, एकदम यू नो सिमिलर टफनेस, एकदम सिमिलर लेवल के थे, राइट? आई myself यू नो रिटन माई एग्जाम 17 जुलाई, आई स्कोर्ड 661 मार्क्स. And when 4th September paper was there on internet, I think it was the 7th of September or 8th of September, I scored a total of 657 in that paper. So somewhat एकदम similar level का था, 661, 657, 4 marks का difference है, ज़्यादा कोई difference नहीं है, alright? So ये सोचना कि कौन से स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस हुआ एज फार एज द लेवल ऑफ पेपर इज कंसिडर्ड,
ऑलराइट, नो डाउट जो रीनीट होना ही नहीं चाहिए था, ऑलराइट, उन बच्चों के साथ नो डाउट इनजस्टिस हुआ था, उन बच्चों की क्या गलती कि एग्जामिनर ने कौन सी मीडियम के पेपर कौन सी मीडियम को बांट दिया, दैट्स टोटली इनजस्टिस, बट लेवल एज फार एज लेवल ऑफ पेपर इज कंसिडर्ड देर इज नो इनजस्टिस बाय द साइड ऑफ NTA, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल विद दिस वीडियो। मैं इस वीडियो में बस ये बताना चाहता था कि दोनों के दोनों जो पेपर हैं, यदि वहाँ पे हमारे पास जो 17 जुलाई वाला पेपर था वहाँ पे बायोलॉजी थोड़ी टफ थी, सो 4 सितंबर वाले में फिजिक्स थोड़ी सी लेंथियर और टफर हो गई, ऑलराइट। केमिस्ट्री दोनों के दोनों साइड में एग्जैक्टली सेम थी, नन ऑफ द क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन वॉज फ्रॉम आउट ऑफ NCERT सिलेबस आइदर इन 4 सितंबर पेपर और इन 17 जुलाई पेपर, ऑलराइट। So I hope I am very clear with my point. If you are very clear with this point, please subscribe this channel. And if you like this video, please make a like on it. Thank you and have a nice day ahead.